हिंदुस्तान हमारे जिहाद में रुकावटें डाल रहा है। पहले उन्होंने बालाकोट पर हमारे कैंप पे हमला कर दिया, बाद में कश्मीर को हिंदुस्तान ने मिला लिया। हिंदुस्तान हर तरीके से मुमकिन कोशिश कर रहा है कि हम वहाँ जिहाद न फैला सके। बॉर्डर पर सिक्योरिटी भी टाइट कर रखी है, हम अपने बंदे वहाँ भेज ही नहीं सकते, इसीलिए हमने अब दूसरा रास्ता ढूंढा है। हिंदुस्तान में हमारे बंदे नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान को दूसरे तरीके से बर्बाद कर देंगे, जो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, जिसमें हमारा दोस्त चीन भी साथ दे रहा है। इस बार हिंदुस्तान बर्बाद होके ही रहेगा। यह देखो हमारी क्लास के बच्चे, खिलते हुए नौजवान, पबजी खेलते खेलते उनका स्क्रू ही खत्म हो गया है, आईक्यू ही नहीं है। अब बताता हूँ टीचर कि कैसे आईक्यू पबजी खेलने से कम होती है। पूछने दो एक सवाल। टीचर जी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो, एक क्यों, दो चार पूछो। हाथी को फ्रिज में कैसे रखते हैं? अरे बेवकूफ, हाथी जितना बड़ा फ्रिज होता ही नहीं है। जी सोच लो कि फ्रिज बहुत बड़ा है, फिर उसका दरवाजा खोलेंगे और हाथी को अंदर डालेंगे। देखा पबजी खेलने वालों का दिमाग। दूसरा प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ पूछो, ऐसे बेवकूफ जवाब तो तुम ही दे सकते हो। गधे को फ्रिज में कैसे रखेंगे? सिंपल, जो आगे तुमने बताया, फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे और उसमें गधे को रख देंगे। गलत जवाब टीचर जी, पहले जो फ्रिज में हाथी था उसको बाहर निकालेंगे, फिर गधे को अंदर रखेंगे। एक और सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो, ऐसे बेवकूफ जैसे जवाब तो तुम ही ढूंढोगे ना। के जन्मदिन की पार्टी में सभी जानवर आए, जीव जंतु आए, परंतु एक जानवर नहीं आया, उसका नाम बताओ। हाँ शेर ही नहीं आया होगा, क्योंकि वह आता तो सभी बच्चों को खा जाता, समझे? फिर गलत जवाब, गधा पार्टी में नहीं आया क्योंकि वो फ्रिज में बंद था। एक सवाल और पूछूं? बोल हरमजादे। एक नदी है जिसमें एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है, उस नदी के ऊपर आने जाने के लिए पुल भी नहीं है, आप नदी कैसे पार करोगे? मैं नाव लेकर नदी पार करूंगा। फिर गलत जवाब। तो बोलो कैसे? टीचर जी इतनी जल्दी नाव कहाँ से आपको मिलेगी? तब तो आप नदी तैर के भी पार कर लोगे। मगर मच्छे तेरा बाप बचाएगा। टीचर जी आपकी इतनी फटी क्यों है? आपको तो पता ही है कि सभी जानवर बंदर की बर्थडे पार्टी में गए हुए हैं, तो मगरमच्छ नदी में कैसे आ जाएगा? तूने ये बकवास की है, मुझे तुझे पनिशमेंट देना है। तुझे 15 अगस्त को सभी कक्षा के छात्रों के सामने गाना गाना होगा, तेरी आवाज सही नहीं होगी और पूरी स्कूल तुझ पे हंसेगी। कैसा लगा मेरा पनिशमेंट? यहाँ 12वीं कक्षा के छात्रों ने नई तकनीक खोजी है, ढूंढ रहे हैं और तुझको मजाक सूझ रहा है। पूछो सीखो 12वीं कक्षा के छात्रों से, उन्होंने टिड्डी मारने का केमिकल बनाया है, वो खेतों में यूज होता है, आप वहां से देखो, सीखो कुछ उनके पास। पनिशमेंट में 15 अगस्त को आपको गाना गाना होगा। आज के दिन का ही हम इंतजार कर रहे थे। हमने और हमारे दोस्त चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा टिड्डी दल बनाया है
जो हिंदुस्तान जाके वहाँ के खेतों को तबाह कर देगा, वो टिड्डी बम हम आज 15 अगस्त को ही इंडिया पर छोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वहाँ के खेतों में भी इसे फैला देते हैं। वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, तू जहाँ रहे वहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई दम क्या आज आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई दम क्या आज आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, लंबे आते हैं सूरज बन के दुआ हमारे, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। हमारे 12वीं कक्षा के स्टूडेंट ने नया इनोवेशन किया है, उसके लिए हम उसे सम्मानित करते हैं। ये इनोवेशन खेतों में काम आता है और जिससे टिड्डियां मर जाती है। अपना परिचय दो और तुमने जो खोज की है उसके बारे में सबको बताओ। विद्यार्थी जनों और मेरे आदरणीय शिक्षकों, जय भारत। मैंने इस दवा की खोज की है उसमें आदरणीय प्रिंसिपल महोदय की प्रेरणा है, साथ साथ मेरे विद्यार्थी दोस्तों और मेरे पापा का सहयोग मिला है। इस दवा को फव्वारे से पौधे पर छिड़कने से ही सारी टिड्डियां मर जाएगी और हमारे किसान भाई बहनों के खेतों में हरी भरी रोशनी छा जाएगी, देश में हरियाली होगी और सोने का सूरज उगाएगा। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। आज के समाचार में हमारे एक छोटे वैज्ञानिक ने जो खोज की थी उससे सारी टिड्डियां मर चुकी है।